वरिष्ठ नेता है तो वो आपको बताएंगे। अन्य तीन चार निर्णय जो हुए है उसका मैं बताऊंगा। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी का इशू आपको मालूम है, जे जे क्लस्टर, देहातों में कृषि भूमि पर हुआ भवन निर्माण, ये सब अनऑथराइज समझ के उसके खिलाफ कोर्ट में केस जाने पर कोर्ट बार बार आदेश देता था। उससे संरक्षण देने के लिए 2011 में कानून बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ। ये 2014 में समाप्त हुआ। हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज़्यादा मुदत दी 3 साल, फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि वर्ष शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। अब वो राष्ट्रपति जी के मंजूरी के बाद लागू होगा। इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को इससे कानूनन संरक्षण जारी रहेगा। आपको पता है पिछले साल 1700 अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया था और उस लिए एनसीटी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज 2019 ये कानून पास किया था। अब दिल्ली का पूरा विकास ढंग से हो, दिल्ली का एक अच्छा नियोजन हो, अच्छी विकास योजना बने, ये काम चल रहा है। मास्टर प्लान के आगे के मास्टर प्लान को भी काम चल रहा है। तो ये काम करने के लिए जो समय चाहिए उसके लिए आज सरकार ने ये तय किया कि ये कानून को जो अनऑथराइज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ जो है उसको 3 साल और अवधि देंगे, ये हम आज पास किया। इससे दिल्ली के विकास में भी मदद होगी और इससे दिल्ली में रहने वाले ऐसे सभी लोगों को, लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी, संरक्षण मिलेगा। एक अन्य निर्णय में फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इन चारों संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है। जैसे आपको पता है फिल्म्स डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी चित्रपटों का निर्माण करते हैं, फिल्म चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी चित्रपट करती है, फिल्म्स डिवीजन शॉर्ट फिल्म्स तैयार करती है, ये प्रोडक्शन में काम करते हैं। दो संस्थाएं ऐसी थी, एनएफडीसी और डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। प्रोत्साहन इस क्षेत्र को मिले, प्रमोशन मिले, इसके लिए काम करते हैं। लेकिन एक मजे की बात थी कि एक ही फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल आयोजित करता है और एनएफडीसी उसमें बाजार लगाता है, फिल्म बाजार है वो एनएफडीसी ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसा बहुत इन सभी संस्थाओं में डुप्लीकेशन भी था और नेशनल फिल्म आर्काइव जो है वो प्रिजर्वेशन करता है, संरक्षण करता है। अब ये 4 संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय होगा, 5 संस्थाओं का मिलकर एक ही एनएफडीसी बनेगी। लेकिन सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म्स डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो एनएफआई काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था
जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी। आधुनिक तकनीक इस फील्ड में बहुत आ गया, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अच्छी फिल्में अधिक लोगों तक पहुंचेगी, ये इसका एक उद्देश्य है। अच्छे कार्यक्रम, अच्छी फिल्में आधुनिक तकनीक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के विस्तार के बाद तो सारा आयाम ही बदल गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक क्रिएटिव टैलेंट हर संस्था में कुछ है होती है, उसका इकट्ठा आना ये एक मेल होगा और एक बहुत अच्छी ताकत तैयार होगी। सरकार की जो धारणा है मोदी जी की कि मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसी नीति के तहत ये बताया जाएगा, इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी और डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म दुनिया से जुड़े सभी लोग इस निर्णय का बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत स्वागत करेंगे जोर से, क्योंकि ये चारों संस्था अपना कार्यक्षमता बहुत खो चुके थे या बहुत ज़्यादा उसका काम नहीं हो रहा था। अब सब मिलके एक एंटिटी होने के बाद सब काम अच्छी तरह से और बड़े पैमाने पर चलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक अन्य निर्णय में, आपको मालूम है देश में अभी लगभग 18 करोड़ टीवी है, उसमें 6 करोड़ से अधिक घरों में डीटीएच की सर्विस मिलती है। तो डीटीएच जो सेवा देते हैं, तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजट में और विद वाणिज्य मंत्रालय ने 100% एफडीआई की बात निर्णय पहले ही किया था, लेकिन हमारे आईएनबी की गाइडलाइंस के कारण इस क्षेत्र को 100% एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आज के निर्णय से ये गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहाँ रहेगी, जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है, और इस क्षेत्र को भी 100% एफडीआई में के लाया है। अभी तक हमारे गाइडलाइन के कारण ये 49% तक ही सीमित था, अब 100% होगा। इसके लिए ट्राई से विचार विमर्श हुआ और एक विसंगति जो थी वो दूर की है। उन्हें लाइसेंस भी अब 20 साल तक का मिलेगा और रिन्यूअल हर 10 साल होगा। लाइसेंस फी भी टेलीकॉम सेक्टर जैसी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को भी एक न्याय देकर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की आज निर्णय किया है। आज के कैबिनेट में 2 समझौते भी हुए। 2 समझौतों में अफगानिस्तान और फिलीपींस के साथ नागरी उड्डयन मंत्रालय के निर्णय जो हुआ, हमारे उन दोनों देशों के साथ 70 साल पुराने बायलैटरल्स थे, लेकिन 70 साल पुराने बायलैटरल्स को नए टेम्पलेट में डालकर उसको पुनरुज्जीवित किया है और ज़्यादा घनिष्ठ सहयोग हमारे देशों का फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ रहेगा, ये आज के निर्णय है। मैं दरख्वास्त करूंगा गहलोत जी को कि वो पहले बताएं, उनके सचिव भी आए हैं जो बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल सरकार की है, इसकी जानकारी देंगे। दसवीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना है, और ये योजना देश की आज़ादी के पहले से लागू है।
1959-60 में शेयर पैटर्न प्रारंभ हुआ, कुछ राज्य मिलाएगा कुछ केंद्र मिलाएगा, उसके बाद 77-78 में एक फार्मूला तय हुआ और उस फार्मूले के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना के अंत में जितना लाभ छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को किसी राज्य में दिया गया है वो कमिटेड लायबिलिटी मानी जाती थी। उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ और पंचवर्षीय योजना में 5 साल में किसी एक साल में सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है उसको कमिटेड लायबिलिटी माना जाता था। इस पद्धति के हिसाब से सारे देश में अभी तक छात्रवृत्ति दी जा रही थी, परंतु इसके कारण परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि कई राज्यों को नहीं के बराबर पैसा मिलता था, छात्रवृत्ति देने में कठिनाई महसूस करते थे। सरकार ने गंभीरता से विचार करके इसमें एक ऐतिहासिक और अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य मिलाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक हम 1100 करोड़ रुपए सालाना एवरेज 2-3 साल का निकाला है देते थे और आप देंगे सीधा सीधा 5 गुना बढ़ा करके, और ये 5 गुना बढ़ा करके देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसी साल से 5000 करोड़ की धनराशि से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्यों को देंगे। और ये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान जो किया है वो 60-40 का 3 साल का एवरेज निकालेंगे और उसमें जो धनराशि आएगी उसका 60% केंद्र देगा और 40% राज्य लगाएगा। ये 5 साल के लिए लागू रहेगा और हर साल 5% धनराशि की बढ़ोतरी की जाएगी और वो बढ़ोतरी के मान से 5वें साल में जाकर के करीब हम 6000 करोड़ रुपए 1 साल के देना प्रारंभ करेंगे। आज लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि देने के स्थिति में हैं और इसी साल से दे रहे हैं 2021 वर्ष, अर्थात ये मार्च आएगा इसके पहले पहले हम ये 5-5.5 हज़ार करोड़ की धनराशि राज्यों को उपलब्ध करा देंगे। 5 साल का एवरेज हमने निकाला है, 59,000 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगी, उसमें से केंद्र का हिस्सा 35,534 करोड़ होगा। ये DBT पद्धति से छात्रों के सीधे अकाउंट में जाएगी। राज्य सरकार से हम छात्रों की सूची मंगाएंगे, उनकी सूची और अकाउंट नंबर आने के बाद हम राज्यों से कहेंगे कि वो 40% धनराशि उनके अकाउंट में डाले और जैसे ही वो धनराशि डालेंगे केंद्र सरकार तुरंत उसमें इस प्रकार की जो राशि बनती है केंद्र से वो उनके अकाउंट में डालेंगे। इस प्रकार से जिस पद्धति से छात्रवृत्ति देने के कारण लीकेजेस कम होंगे, अनियमितताएं कम होगी और इसके कारण से सीधा सीधा छात्रों को लाभ मिलेगा। अभी तक जो छात्रों का एनरोलमेंट है वो 13-14 के आंकड़ों के हिसाब से 17.1% था और 18-19 के दौरान 23% हो गया है। अब ये 23% 27% तक बढ़ाने की हमारी कार्य योजना है। SC के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए ये सबसे बड़ी योजना है और इस योजना के माध्यम से हम कक्षा 11 से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 60 लाख छात्रों को जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं वो इसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी और 5 साल बाद जाकर के लगभग ये संख्या 4 करोड़ होने की संभावना है। और इसमें हम सबसे गरीब घरों के छात्रों को नामांकित करने का प्रयास करेंगे। इन घरों में 10वीं पास करने के बाद जो स्कूल छोड़ देते हैं लोग बच्चे, उनको स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। अगले 5 वर्षों में
लगभग 1,36,00,000 ऐसे गरीबतम बच्चों को हम शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और उनको स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश दिलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये 1,36,00,000 छात्र इसका लाभ ले पाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा रहा है और इसमें कहीं कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। 60% की केंद्रीय हिस्सेदारी का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में किया जाएगा। समय पर भुगतान हो इसकी चिंता की जाएगी, सही भुगतान हो इसकी चिंता की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान जैसा मैंने बताया लगभग 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विषय खत्म। प्रेजेंटेशन 5 ही स्लाइड्स है। टुडेज कैबिनेट डिसीशन brings transformatory changes in a very significant scheme which has been classified as a core of core schemes by Niti Aayog. It is a core of core scheme. Next slide, please. It is a core of core scheme because it is almost the mainstay for the poorest SC students studying in the higher education system. Out of the 90 lakh students who are currently in the higher education system, about 60 lakhs, that is 2/3 of the students, are dependent on this scholarship. This scholarship has got history since 1944, and it has succeeded enormously in improving the gross enrollment ratio in the higher education up to 23% from 6%. This scholarship covers all the costs, including the monthly maintenance allowance and the tuition fee. Next, please. So the cabinet's decision was to making this not only effective but also efficient. Primarily 5 points are there in the cabinet decision. Firstly, it should cover the poorest households. The focus is to go to the poorest households who could not join the higher educational institutions and then somehow get them back into the higher education stream. Second thing is that it ordered a simplification of process, how we can reduce the delays, make it very simple for the students to access the financial assistance. Third aspect is how we can increase the enrollment further. And then fourth aspect is higher central government investments. Our honorable minister has already pointed this out. And then finally, it also provided for a very robust monitoring system so that there are no frauds or any leakages in the system. Next, please. I'll briefly go over the coverage issue. As you know, that the 2/3 of the scheduled caste students who are having annual income, household annual income of less than 2.5 lakhs are already in this scheme. But the cabinet said that you must really look for those students who are the poorest, who could not come to the higher education system because of financial difficulties, and then run a campaign, ek abhiyan chalana chahiye, to taki all of them can come into the higher education system. So this is one major improvement that the cabinet has decided. We estimate that with this decision, about 1.36 crores of people who otherwise would have dropped out of the system would be brought back into the higher education system, either through colleges or through the skill development institutions. On the whole, our minister has mentioned that about 4 crore students in the next 5 years, this year included, benefited by this scheme. Next, please. Simplification is a very important underlying feature of the reform that the cabinet has approved. The 60% of the central government share will now go directly into the accounts of the students. Earlier it used to go through a very long process of sending it to the state sending it to district district to the
to the institution. So now the process is completely simplified, and from the account to the account directly from the RBI account of the Government of India, the amount will reach the student, and it will reach on specific time schedules. There will be no delay. This is again a fundamental feature, that if a date is fixed, on that date, by that date, everybody must get their fellowship, whoever is eligible. Then, next please. So the investments have been substantially increased. Our minister has mentioned that this is almost a five-fold increase in the government's commitment for this crucial program. So the total investment will be in the order of 59,048 crores, of which the central government share will be 35,534 crores in the next 6 years, up to 25-26. So therefore, the point that we should note is that the share of the Government of India has substantially increased, and therefore we will be in a position to look at the scheme for more systematization, for simplification and greater transparency. Next please. The impact will be very clear. We assume that a lot of poorest households will get this benefit, and they'll come into the higher education system. And as a result, we expect that the gap between the national average and the average gross enrollment ratio in SCs will be narrowed down. And then in the next 5 years, they'll catch up with the national average, and that's going to be a big milestone in the history of this country. And we hope that this scheme will achieve this aim. The quality of the education is one very important element. The cabinet has ordered that only institutions which are maintaining educational standards shall be in this scheme, and all the institutions who are admitting scheduled caste students, they should be encouraged to come under the accreditation by NAC or NBA before 2024-25. So they have given 4 years time for them to get accredited. So this is a very clear direction that the cabinet has given, that we will only encourage educational excellence and educational quality. There is also a huge accountability matter that has been brought in. So the social audits have been mandated for all this for all the scholarship schemes. That means there will be community audit of whether these funds have reached, whether they have reached well, whether the students have used it, are there any leakages, are there any problems. So all these things will come through a social audit process, and this will help in improving this scheme substantially. So therefore, there is a lot more than a huge increase in the financial burden, financial investment from the side of the central government. There's going to be marked transformatory change in the way that the scheme is implemented for the benefit of this poorest segment of the society. Thank you. Questions? Bataiye. I think just please use mic. तो ये नाम चारों संस्थाओं का नाम nomenclature भी बदल जाएगा और फिर वो NFDC कहलाएगा? नहीं NFDC ही कहलाया जाएगा। वो चारों के काम बदल हाँ। हाँ वो तो हाँ। जैसे बच्चों के लिए वो बनती रहेगी। बच्चों की बनाएंगे NFDC से फाइनेंस करता है वो करता है। हाँ। एक जगह आने से जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस ज़्यादा बढ़ेगा अच्छा, और गवर्नमेंट जो है बहुत, हर संस्था एक बार अलग होती है तो उसके अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट बहुत होती है, तो उसके जगह एक जगह आएंगे, क्रिएटिव टीम्स का पूल हो जाएगा और अच्छे निर्माण होगा, ये उसकी कल्पना है। 26 दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक हूँ मैं, 26 नंबर दिस साइड। मेरा सवाल भी इसी विषय पर है कि जब अलग अलग, आपने कहा कि ये चारों संस्थाएं अलग अलग अपने काम जो कर रही थी वो करती रहेंगी, तो जो इनके चार डायरेक्टर्स हैं अलग अलग, क्या उनका एक ही लीडर होगा या इनका एक लीडर होगा? देखो ये समझना चाहिए, फिल्म्स डिवीजन हम जब देखते थे सालों से, हर सप्ताह सभी थिएटर में फिल्म दिखता था, वो धीरे धीरे कम होता गया। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी पहले बहुत फिल्में निर्माण करती थी, धीरे धीरे कम होता गया। तो इसलिए इसके सुधार के लिए
और इसको पुनर्जीवित एक तरह से करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि काम भी सभी हो लेकिन कार्यक्षमता से हो और ज्यादा उत्पादक हो। एंड व्हाइल डू दिस इंटीग्रेशन एफटीआईआई यू हैव केप्ट अवे फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस। नहीं, एफटीआईआई इसका संबंध नहीं, वो शिक्षा संस्थान है, वो उसका हिस्सा नहीं है। 37 अभी स्टूडेंट वेलफेयर और स्कॉलरशिप की आप लोगों ने बात की। ममता जी ने ऐलान किया है कि चुनाव से पहले मदरसे के बच्चों को और स्कूली बच्चों के खाते में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। नहीं, ऐसा है, अभी आपको पता है यहाँ का नियम, आज कैबिनेट का ब्रीफिंग होता है, तो आज अभी केवल कैबिनेट में जो निर्णय हुए उसका बालिंग होता है। बाद में मैं आपको कभी भी मिलता ही हूँ, तो आइए जरूर, सारी कॉमेंट्स दूंगा। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फ्रेंड्स। क्या हो रहा है? हाँ, सवाल की जरूरत नहीं, ब्रीफिंग अच्छा करते हैं तो क्या है जो